छात्र तन्वी से फिर पूछता है, तन्वी तुम बताओगी तुम्हें हुआ क्या? तन्वी रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, रुद्र मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है, तुम चलो यहाँ से, मैं यहाँ पर और नहीं रुकना चाहती। रुद्र धीरे से तन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तन्वी तुम क्यों डर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ता है तो तन्वी शांत हो जाती है, अब उसे अच्छा महसूस हो रहा था। रुद्र और तन्वी अंधेरे में खेत के अंदर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लग जाते हैं। रुद्र और तन्वी करीब 15 मिनट से पैदल पैदल चलते जा रहे थे, पर अभी तक रुद्र का खेत नहीं आया था। चलते चलते तन्वी थक गई थी। तन्वी थकते हुए कहती है, और कितना चलना है रुद्र, मैं पैदल चलते चलते थक गई हूँ, तुम्हें पता है ना इस हालत में मैं ज्यादा नहीं चल सकती हूँ, अब मैं एक नहीं बल्कि दो जान हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी है। हाँ तन्वी मैं समझ सकता हूँ। रुद्र सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, तभी वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, क्या बोलती हो? तन्वी अचानक से चलते चलते रुक जाती है और रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, रुद्र तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो, जब देखो मुझे उठाने का बहाना ढूंढते रहते हो, उस दिन मंदिर में भी और आज यहाँ खेत में। रुद्र तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तन्वी तुम भी ना कुछ भी सोचती हो, अब अगर तुम्हारे पैर में दर्द होगा तो तुम्हें उठाऊंगा ही ना, यहाँ पर अकेले छोड़कर थोड़ी जा सकता हूँ, और तुम्हें शायद पता नहीं है वक्त के साथ हस्बैंड वाइफ और ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तन्वी रुद्र के करीब आते हुए कहती है, अच्छा जी। रुद्र तन्वी को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, जी हाँ। रुद्र तन्वी को गोद में उठाकर पैदल पैदल चलने लग जाता है। तन्वी अपने दोनों हाथों को रुद्र के गले में डाल देती है और पैदल चलते चलते दोनों को 15 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन रुद्र का खेत नहीं आता। तन्वी परेशान होते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, और कितना वक्त लगेगा रुद्र? रुद्र चलते हुए तन्वी के सवाल का जवाब देता है, बस थोड़ी देर और तन्वी। रुद्र तुम पिछले आधे घंटे से यही बोल रहे हो, बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और तुम्हारी थोड़ी देर और कब होगी? रुद्र मासूमियत के साथ जवाब देता है, थोड़ी देर बाद तन्वी। रुद्र की बात सुनकर तन्वी मन ही मन हंसने लग जाती है, पर वो रुद्र को ये मुस्कान दिखने नहीं देती। तन्वी फिर रुद्र से पूछती है, एक बात बताओ रुद्र, तुम जब से मुझे लेकर घूम रहे हो कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? रुद्र तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं देता। रुद्र का चेहरा देखकर तन्वी समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तन्वी फिर रुद्र से पूछती है, बोलो रुद्र तुम अपने खेत का रास्ता तो नहीं भूल गए कहीं? रुद्र हिचकिचाते हुए तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुम ऐसा भूल सकती हो तन्वी? तन्वी चौंकते हुए कहती है, रुद्र कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुम रास्ता भूल गए हो तो जब से भटक रहे हो घर चलो ना, क्यों भटक रहे हो? तन्वी मैं रास्ता भटका नहीं हूँ, जितना मुझे याद है यहीं कहीं पर हमारा खेत और कुआं होना चाहिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया, शायद अंधेरा है इसी वजह से मैं सही से देख नहीं पा रहा। तन्वी रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहती है, तभी तो रुद्र मैंने तुमसे कहा था कि तुम सुबह आ जाना, सुबह उजाला होता तो तुम्हें तुम्हारा कुआं और खेत ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और तुम जल्दी घर भी पहुंच जाते। तन्वी यार तुम ना ये बात बात पर गुस्सा मत किया करो, समझ गई? रुद्र तन्वी के साथ मजाक करते हुए कहता है, पत्नी हो तो पत्नी का धर्म निभाओ और यहाँ पर मेरा खेत ढूंढने में मेरा साथ दो। अच्छा मैं पत्नी का धर्म निभाऊं? जैसे तुम तो पति होने का धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हो, है ना, यहाँ पर इस हालत में आधी रात में घुमा रहे हो मुझे? तन्वी झूठ तो मत बोलो यार, मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, तुम्हें जब से गोद में लेकर तो घूम रहा हूँ, एक तो वैसे तुम थोड़ी मोटी हो गई हो और अब तो तुम्हारा वजन भी नहीं उठ रहा मुझसे। क्या कह रहे हो तो तुमने, मैं मोटी हो गई हूँ और नहीं तो क्या? अचानक से रुद्र तन्वी को नीचे उतार देता है। अपने आप को अचानक से नीचे उतारते हुए देखकर तन्वी हैरानी के साथ रुद्र से पूछती है, क्या हुआ रुद्र, तुमने मुझे नीचे क्यों उतार दिया, मेरी बात बुरी लग गई या फिर मुझे उठाकर तुम्हारा हाथ दर्द करने लग गया? रुद्र तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसने कोई सांप देख लिया हो। तन्वी रुद्र को हिलाते हुए कहती है, रुद्र बोलो क्या हुआ, यूं चुपचाप क्यों खड़े हो तुम? रुद्र अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है,
वो देखो तन्वी, सामने देखो। जिस ओर रुद्र ने इशारा किया था, जब तन्वी उस ओर देखती है तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके शरीर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की आंखों के सामने एक खेत के अंदर से सफेद रोशनी निकल रही थी जो कि सीधे आसमान की ओर जा रही थी। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, रुद्र ये रोशनी कहां से निकल रही है, यहां अंधेरे में खेत के एकदम बीचों बीच। रुद्र तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं तन्वी, चलो चलकर देखते हैं। नहीं रुद्र, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं वहां पर क्या होगा, वैसे भी हमें देर हो गई, हमें अब घर जाना चाहिए। रुद्र तन्वी को समझाते हुए कहता है, तन्वी ये तुम क्या बोल रही हो, जरा सामने तो देखो, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि वो रोशनी कहां से आ रही है और वहां पर क्या है। तन्वी हिचकिचाते हुए रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जानना तो चाहती हूँ रुद्र, पर अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो। तन्वी तुम ना यार डरती बहुत हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किस मुसीबत में फंस सकती हो। मुसीबत को तुम तक पहुँचने से पहले ना मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, समझी, और अब वक्त बर्बाद मत करो, चलो जल्दी उस रोशनी की तरफ। हाँ ठीक है चलो। रुद्र और तन्वी जिस खेत से वो रोशनी निकल रही थी उस खेत की तरफ जाने लग जाते हैं। जब वो दोनों उस खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो रोशनी एक कुएं के अंदर से आ रही थी। वो दोनों ही कुएं में से रोशनी निकलता हुआ देखकर हैरान हो गए थे, दोनों को ही अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कुएं के अंदर से रोशनी कैसे निकल सकती है। रुद्र अपने आसपास देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, तन्वी ये तो हमारा खेत है और ये वही कुआ है जो पापा ने अपने हाथों से खोदा था। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा रुद्र, ये वही कुआ है। हाँ तन्वी। रुद्र ये भी तो हो सकता है कि ये वो कुआ ना हो, अभी यहाँ पर ज्यादातर अंधेरा ही है, इस वजह से तुम्हें देखने में कोई गलती हो गई हो। नहीं तन्वी, ये वही कुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे। तन्वी हैरानी के साथ रुद्र से पूछती है, रुद्र तुम इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो। रुद्र अपने हाथ से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तन्वी वो देखो, इस कुएं की एक ईंट पर मेरा नाम लिखा है जो पापा ने खुद अपने हाथों से लिखा था। जब तन्वी उस कुएं की तरफ देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, कुएं की एक ईंट के ऊपर रुद्र का नाम लिखा हुआ था। रुद्र कुएं को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, तन्वी ये कुएं में से रोशनी कैसे निकल रही है, कुएं के अंदर आखिर ऐसा क्या है। तन्वी भी कुएं को देखते हुए कहती है, पता नहीं रुद्र, चलो चलकर देखते हैं आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है जिससे रोशनी निकल रही है। रुद्र और तन्वी धीरे धीरे कुएं के पास जाने लग जाते हैं। कुएं के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, उस रोशनी के कारण रुद्र और तन्वी दोनों की आंखें चौंधी आ गई थी। जब रुद्र और तन्वी इस कुएं के पास पहुंचते हैं और उसके अंदर झांक कर देखते हैं तो अचानक से कुएं के अंदर से रोशनी आना बंद हो जाती है, कुएं के अंदर अंधेरा छा जाता है। उन दोनों को कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तन्वी हैरानी के साथ रुद्र से पूछती है, रुद्र ये हमारे कुएं को हाथ लगाते ही इसके अंदर से रोशनी आना बंद क्यों हो गई और ये अंधेरा कैसे हो गया। रुद्र कुएं के अंदर झांकते हुए कहता है, पता नहीं तन्वी क्या हो गया, अभी हाल तो इसके अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। रुद्र अपने मोबाइल की टॉर्च से कुएं के अंदर देखने लग जाता है, पर कुएं के अंदर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुएं के अंदर क्या हो सकता है जिससे इतनी तेज रोशनी आ रही हो। चारों तरफ अंधेरा देखकर तन्वी को डर लगने लग जाता है और वो डरते हुए रुद्र से कहती है, रुद्र मुझे डर लग रहा है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। देखो तुम्हें अपने खेत और कुआं दिखाने थे ना मुझे, वो मैंने देख ली, अब हम चले यहाँ से। तन्वी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कुएं के अंदर ऐसा क्या था जिससे इतनी तेज रोशनी आ रही थी। तन्वी रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहती है, रुद्र तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या जब से अजीब अजीब से काम कर रहे हो, एक तो इतनी रात में खेत आ गए और अब बोल रहे हो कि कुएं के अंदर जाना है। तन्वी बात को समझो, तुम जानती हो मैं कैसा हूँ, जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि कुएं के अंदर ऐसा क्या था जिससे रोशनी निकल रही थी, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। रुद्र तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें कुएं में उतरना आता भी है और अगर कुएं के अंदर पानी रहा और बाय मिस्टेक तुम गिर गए तो मैं क्या करूंगी, मैं तो इस हालत में तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगी। तन्वी इतने सारे सवाल तुम्हारे मन के अंदर आते कहां से। रुद्र मैं पत्नी हूं ना तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूं, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना, इसलिए तुम अपनी जान को खतरे में डालते रहते हो। रुद्र तन्वी को समझाते हुए कहता है, तन्वी
पापा ने ना सीढ़ियों वाला कुआं बनाया था, इसके अंदर हम आराम से उतर सकते हैं और ये कुआं भी सूखा हुआ है। तन्वी हैरानी के साथ पूछती है, तुम्हें कैसे पता रुद्र की कुआं सूखा हुआ है? इसके अंदर पानी नहीं है, कुएं के अंदर तो अंधेरा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुएं में पानी है या नहीं। तन्वी जरा अपने आसपास देखो, ये खेत पूरी तरह से सूखा हुआ है, बंजर पड़ गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कुआं सूखा हुआ है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होता ना तो ये जमीन में थोड़ी बहुत तो नमी रहती। समझ गई इंजीनियर यार, तुम भी थोड़ा दिमाग लगाया करो। रुद्र मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना, मैं नहीं चाहती कि तुम नीचे जाओ बस। तन्वी लगता है तुम्हें यकीन दिलाना ही पड़ेगा कि कुएं के अंदर पानी नहीं है, तभी तो मुझे नीचे जाने दोगी। रुद्र अपने आसपास देखने लग जाता है और उसे एक थोड़ा बड़ा पत्थर नजर आता है जिसे वो आसानी से उठा सकता था। रुद्र उस पत्थर को उठाता है और वो उस कुएं के अंदर डालते हुए कहता है, अब अच्छे से देखो तन्वी, मैं पत्थर कुएं में डालने वाला हूं, अगर पानी हुआ तो आवाज आएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, डालो पत्थर नीचे, पर मेरी एक शर्त है। तन्वी हैरानी के साथ रुद्र से पूछती है, कैसी शर्त? शर्त यह है तन्वी कि अगर कुएं में पानी नहीं हुआ तो तुम मुझे नीचे जाने से नहीं रोकोगी, मंजूर? रुद्र ये क्या बचपना लगा कर रखा तुमने? रुद्र तन्वी पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो तन्वी, मंजूर? तन्वी ना चाहते हुए भी रुद्र को हाँ बोलते हुए कहती है, हाँ रुद्र, मंजूर। रुद्र पत्थर को कुएं के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो पत्थर को कुएं के अंदर डालता है कोई आवाज नहीं आती। रुद्र तन्वी से कहता है, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना तन्वी कि कुएं के अंदर पानी नहीं है, अब तो मैं जाऊं नीचे? तन्वी रुद्र को रोकते हुए कहती है, पर रुद्र नीचे बहुत अंधेरा होगा। तन्वी कौन सी दुनिया में जी रही हो यार तुम, मेरे पास मोबाइल है और उसमें टॉर्च भी है, मैं उसके सहारे चला जाऊंगा, अब जाऊं मैं? तन्वी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, हाँ जाओ, बस संभल कर जाना और जल्दी ऊपर आना। रुद्र अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के सहारे कुएं के नीचे की सीढ़ियां उतरने लग जाता है। तन्वी भी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रुद्र को नीचे जाते हुए देखने लग जाती है। रुद्र धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे रुद्र कुएं के अंदर जा रहा था उसकी सांसें फूलती जा रही थी, ऑक्सीजन का स्तर घटता जा रहा था, कुएं की गहराई बहुत ज्यादा थी। तन्वी रुद्र को ऊपर से टॉर्च की रोशनी दिखाई रही थी कि तभी उसे उसके पीछे हलचल सुनाई देने लग जाती है। तन्वी रुद्र को रोशनी दिखाना बंद कर देती है और पीछे पलटकर देखने लग जाती है। जब वो पीछे पलटती है तो उसे कोई और नहीं दिखाई देता। तन्वी खेतों में अंधेरे की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसे खेत की मेड़ पर लगी झाड़ियों में हलचल सुनाई देने लग जाती है। तन्वी अपने मोबाइल की टॉर्च झाड़ियों की तरफ मारने लगती है और वो देखती है कि झाड़ियों के बीच एक आदमी शॉल पहनकर बैठा हुआ था। इस तरफ जब रुद्र को कुएं के ऊपर से तन्वी के मोबाइल की टॉर्च नहीं दिखती तो वो तन्वी को आवाज लगाते हुए कहता है, तन्वी क्या हुआ, तू मुझे रोशनी क्यों नहीं दिखा रही, ऊपर से टॉर्च क्यों बंद कर दी? तन्वी का कोई जवाब नहीं आता। जब तन्वी का कोई जवाब नहीं आता तो रुद्र को लगता है कि तन्वी उसके कुएं के अंदर घुसने की वजह से उससे नाराज हो गई है। रुद्र कुएं के अंदर और आगे बढ़ने लग जाता है। जब रुद्र कुएं के तल पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां की जमीन सूखी हुई है। रुद्र मोबाइल के टॉर्च के सहारे कुएं के तल पर ढूंढने लग जाता है कि आखिर वो क्या चीज थी जो कि चमक रही थी। इस तरफ झाड़ियों के पीछे छुपे हुए आदमी को देखकर तन्वी बहुत डर गई थी। तन्वी अपने मोबाइल की टॉर्च झाड़ियों के पास मारते हुए कहती है, कौन है, कौन है वहां पर? पर कोई जवाब नहीं आता। तन्वी धीरे धीरे उन झाड़ियों के नजदीक जाने लग जाती है। जब झाड़ियों के पीछे छुपा आदमी ये देखता है कि तन्वी उसके नजदीक आ रही है तो वो झाड़ियों से बाहर निकल जाता है। जब तन्वी उसके चेहरे पर अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी मारती है तो वो देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसे सपने में दिखा था यहाँ बलमा टोला आते वक्त। रुको यार, स्टोरी तो सुनिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।